हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता स्वीट होम। मैं हूं श्वेता। और फ्रेंड्स, आज मैं एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं, वैलेंटाइन डे स्पेशल रेसिपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी वैलेंटाइन डे ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी रेड वेलवेट केक बनाना। बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी केक बनता है ये, और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक बोल लिया है, इसमें मैं कैस्टर शुगर ऐड करूंगी, यानी पाउडर शुगर 300 ग्राम के बराबर। 350 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर ऐड करना है, यानी मैदा। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने कोको पाउडर लिया है। वनीला एसेंस ऐड करना है 1/2 टेबलस्पून के बराबर। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें 2 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा ऐड करूंगी। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। 2 फ्रेंड्स, केक बनाने के लिए जो भी हम इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, तभी आपका केक अच्छा बनता है, सॉफ्ट एंड स्पंजी। अब मैं इसमें 150 ग्राम के बराबर कर्ड ऐड करूंगी। तो ये फ्रेश कर्ड है, तो ये थोड़ा सा लिक्विड है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें दूध ऐड करूंगी, एज पर रिक्वायर्ड, जितना हमें दूध लगेगा उस हिसाब से हम डालेंगे, एक साथ हमें नहीं डालना है। तो दूध धीरे धीरे डालते हुए हमें मिक्स करते जाना है, एक स्मूथ बैटर तैयार करना है। और मिल्क ऐड करना है हमें, अच्छे से हमें मिक्स करना है ताकि लम्प्स फॉर्म ना हो। तो ये हमारा ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें रेड फूड कलर ऐड करूंगी। तो ये एडिबल फूड कलर है, इसे मैंने दूध में भिगो लिया था। आप चाहे तो लिक्विड फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें 100 ml के बराबर ऑयल ऐड करूंगी, तो इससे एक और शाइन आ जाएगा। और बहुत ही अच्छे से हमें 2 मिनट्स के लिए विस्क करना है, ताकि ऑयल अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। और ऑलरेडी मैंने केक टिन में ऑयल ग्रीस कर लिया था। अब बैटर पोर कर देते हैं केक टिन में। अब हम इसे टैप कर देते हैं। तो टैप करना बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ताकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाए। अब मैंने ओवन को ऑलरेडी प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए। अब मैं इसे रखूंगी लोअर रैक पे। तो अराउंड 35 मिनट्स के लिए हम इसे बेक करेंगे। तो बीच में एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो अब 35 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं टूथपिक से। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे ठंडा होने के बाद इसे निकाल लूंगी नाइफ से, कॉर्नर का रिलीज करके। तो ठंडा हो चुका है ये, अब हम इसे रिलीज कर देते हैं इस तरह से। अब टैप करते हुए हम इसे निकाल लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी केक बना है। अब मैं इसे फ्रॉस्टिंग से डेकोरेट कर दूंगी। आप चाहे तो जैसा भी डेकोरेशन कर सकते हैं, और इसका ऊपर का लेयर भी आप निकाल सकते हैं। तो मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया। मैं कवर कर दूंगी फ्रॉस्टिंग से। इस तरह से हमें फ्रॉस्टिंग लगा लेना है। आप अपना मनचाहा डेकोरेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारा कवर कर देंगे। तो अब मैं इसमें चॉको चिप्स ऐड करूंगी।
आप चाहे तो इसमें स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं या स्प्रिंकलर्स ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आपको पसंद हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेड वेलवेट केक बनकर रेडी है, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी बना है। तो फ्रेंड्स, आज का वैलेंटाइन स्पेशल रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लस बेल को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।